देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ आशीष कुमार। खबरों में आज बात करते हैं उन्नाव मामले की, जो कि कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्नाव मामला पहले भी काफी चर्चा में था और रविवार को उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी को ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। टीवी चैनलों से लेकर तमाम अखबारों में उन्नाव मामले में हुए ताजा घटनाक्रम को लेकर चर्चा हो रही है कि उन्नाव रेप पीड़िता को ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने का मुद्दा लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया और इस मुद्दे पर जमकर आज हंगामा हुआ है। इस मामले पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, फिर भी विपक्षी दलों का सदन में हंगामा जारी है। भाजपा ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी को गंभीर बताया है, यानी कि समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी की साजिश है और इस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ है रविवार को उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। और इसके अलावा आज बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारी बातें हुई वहां पर संसद में, लेकिन इन हंगामों के बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिस ट्रक ने उन्नाव की पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारी थी वह सपा नेता का है। विपक्ष सदन में उन्नाव की बेटी को इंसाफ दो, गृह मंत्री जवाब दो के नारे लगाए और उसके अलावा सरकार से मांग की कि जो उन्नाव रेप पीड़िता है उसको न्याय मिले। इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला की चेतावनी के बावजूद हंगामा जारी रहा और इसमें पहले संसद परिसर में समाजवादी पार्टी डीएमके टीएमसी के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास इस मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और रोष जताया और सरकार से मांग की कि जो रेप पीड़िता है से न्याय है वो उसे दिया जाए और उसके साथ जो है जो कांड हुए हैं जो हुए हैं उसको खत्म किया जाए और जिसमें इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको आरोपियों को ना बख्शा जाए। इन सब के बीच जो है आज बहुत कुछ लोकसभा में हुआ, लेकिन एक बार हम अब चलते हैं कि क्या कुछ हुआ था। गुरबख्शगंज के एक ट्रक ने एक पीड़िता, यानी कि जो आपको उन्नाव रेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने के मामले में उन्नाव गैंग रेप में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया है। रविवार को कार के ट्रक की चपेट में आने के बाद पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई है और जिसका इलाज फिलहाल जो है वो अस्पताल में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रायबरेली में उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने के मामले में जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने सोमवार को देर रात इस संबंध में एक औपचारिक अनुरोध केंद्र सरकार को भेज दिया है। पीड़िता का परिवार सोमवार सुबह से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। इसी बीच टक्कर मारे जाने की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पहले से ही सेंगर के खिलाफ गैंगरेप के दो मामलों में जांच चल रही है और उन्नाव मामले में पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी बीच उन्नाव मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब वो नया मोड़ क्या है हम आपको इस वीडियो में वो जरूर बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कार में टक्कर मारने वाला ट्रक फतेहपुर के सपा नेता व पूर्व जिला सचिव नंदू पाल के भाई का है। इस बात ने इस गुत्थी को, इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। वही इस पर सपा नेता का कहना है कि इसे यह एक साजिश है और इसे बेवजह जो है वो तूल दिया जा रहा है, जबकि यह महज एक हादसा है। वो मानते हैं, सपा नेता मानते हैं कि यह महज एक हादसा है और उसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो हम लोग सेंगर, यानी कि जो विधायक है कुलदीप सेंगर को जानते तक नहीं है, बस नाम सुना, यानी कि उन्होंने विधायक जो कि आरोपी विधायक है भाजपा के कुलदीप सेंगर, उनका उन्होंने बस नाम सुना है, ये उनका कहना है। वही उन्होंने ट्रक पर नंबर प्लेट के काले पोतने की जो बात है उस पर उन्होंने कहा कि यह तो केवल फाइनेंसर की नजरों से बचना था, इसीलिए नंबर प्लेट पर, यानी जो ट्रक थी उसके पीछे जो नंबर प्लेट लगा था उस पर काली पोत दी गई थी। यानी उन्होंने पूरे अपने बयान से जो है इसे महज एक हादसा बताया है और तमाम बातों को कहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि उन्नाव मामले में केंद्र सरकार को औपचारिकता जो है वो भेज दी गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो इसकी सीबीआई जांच करा ले ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब देखिए, उन्नाव मामले में केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजा गया। इसी कड़ी में सीएम के निर्देश पर, यानी कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने रात में रायबरेली एसपी की रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच की। अब तक की पड़ताल, हत्या और एफआईआर को कुछ अन्य दस्तावेज मंगवाए हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है वो जांच के घेरे में है, जांच की जा रही है, पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है, और अब तो इसको आपको सीबीआई को भेजने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है योगी आदित्यनाथ वो कर चुके हैं। वही उन्नाव रेप पीड़िता की टक्कर की घटना की जानकारी लगने के बाद जो एक तरह से पूरी सनसनी फैल गई। वही ट्रक की टक्कर लगने के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और साजिश का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, कुलदीप सेंगर दुष्कर्म कांड में आरोपी भी हैं। यूपी के एडीजी राजीव कृष्ण के अनुसार यह मुकदमा रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा की तहरीर पर रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने में लिखा गया है। रविवार को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील महेंद्र सिंह के साथ कार में कहीं जा रही थी, यानी कि अपने चाचा से मिलने जा रही थी जो कि जेल में बंद थी। जो चालक है जिसने टक्कर मारी पीड़िता की गाड़ी में, उसका नाम आशीष कुमार है, उसको भी पकड़ लिया है। और उसके बाद ट्रक मालिक फतेहपुर के देवेंद्र किशोर पाल और क्लीनर बांदा निवासी मोहन श्रीवास को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पूरी तरह से जांच की जा रही है और जो भी आरोपी है, जो चालक है जिनकी गाड़ी है, उनको जो है वो गिरफ्तार किया है। अब एक बार जानते हैं कि दरअसल रविवार को हुआ क्या था। दरअसल रविवार को उन्नाव रेप पीड़िता जेल में बंद अपने चाचा से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी के सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यानी कि जो पीड़िता है उसकी मौसी और उसका चाची, उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीड़िता जो है गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे कि पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और वहां वह फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जो है वो जंग लड़ रहे हैं। इस मामले में आपको मैं बताना चाहूंगा कि पीड़िता की मां ने रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने ही यह जो है वो एक्सीडेंट करवाया है। इस बीच पीड़िता से कांग्रेस और सपा का प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी मुलाकात कर चुका है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पीड़िता से मिलेंगी, ये खबर है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि उन्नाव मामला पहले भी काफी चर्चा में है और रविवार को पीड़िता की गाड़ी में जब से टक्कर लगी है तब से इस मामले ने और तूल पकड़ ली है। अब एक बार जानते हैं कि यह मामला जो उन्नाव मामला है, उन्नाव रेप कांड मामला जो है, ये कब सामने आया था, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताना चाहते थे। तो उन्नाव मामला जो है ये, इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विधायक कुलदीप सेंगर ने उसके साथ 4 जून 2017 को अपने आवास पर जो है वो दुष्कर्म मतलब कि किया था, जहां वो अपने रिश्तेदार के साथ नौकरी मांगने के लिए गई थी। इसके बाद पीड़िता ने वर्ष 2017 में उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में सेंगर की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई थी। उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी थी कि इसी बीच पीड़िता के पिता पुलिस हिरासत में मौत होगी, जो कि पुलिस हिरासत में थे उनकी मौत होगी। अब आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें पिछले 5 साल, यानी कि उन्हें पिछले 5 अप्रैल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस समय आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विधायक सेंगर के भाई समेत 5 लोगों का नाम शामिल किया था। इसके कुछ दिन के बाद कुलदीप के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 66, 76 और 506, आपको बताना चाहूंगा 363, 366, 376 और 506 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शासन ने इस आदेश में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था। इसी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता लड़की के पिता की मौत के बाद चश्मदीद गवाह यूनिस की भी अचानक मौत हो जाती है, जिसने उस समय के खबरों को और भी पेचीदा बना दिया था कि ये गुत्थी आखिर किस तरह से हो गई, ये किस तरह से हुआ। बताया गया कि वह अचानक बीमार हो गया था,
बाद में यूनिस के परिजनों ने भी उसके शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए जल्दीबाजी में दफना दिया, यानी कि उसका क्रियाक्रम उस समय कर दिया गया था, जिसने कि इस घटना को और भी जो है वो पेचीदा बना दिया और लोग जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी घटनाएं एक के बाद एक मौत होने लगी है। आपको बता दें कि यूनिस की मौत 18 अगस्त को हो गई थी, जो उन्नाव कांड में मुख्य गवाह था, जो कि मुख्य गवाह था। उसकी मौत के बाद पीड़िता के चाचा ने एसपी उन्नाव हरीश कुमार से दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाई थी। अब इसके बाद देखिए कि अभी कुलदीप सेंगर बांगराऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, लेकिन सेंगर उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी हैं। कुलदीप उन्नाव के अलग अलग विधानसभा सीटों से 4 बार से लगातार विधायक हैं और वह फिलहाल उन्नाव मामले में जेल में बंद है। इस घटना को लेकर विपक्ष है वो जमकर प्रदेश की, यानी कि जो यूपी की योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार है और भाजपा सरकार है, उस पर जमकर निशाना साध रही है और उन्नाव मामले में जो पीड़िता है उसे न्याय दिलाने के लिए, उसे न्याय देने की मांग सरकार से कर रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना को चौंकाने वाली घटना करार देते हुए सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिर भाजपा सरकार से न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है। इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, उन्होंने सवाल किया। आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों है, पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों, इन सारे सवालों के साथ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और सवाल उठाए कि इस मामले में कहां तक जांच पहुंची है, अभी तक क्या कुछ हुआ है और अभी तक जो आरोपी विधायक है भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर, उनको अभी तक क्यों जो है सजा पूरी तरह से नहीं मिली है, तमाम सवाल उन्होंने किए। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामले में बहुजन समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष है और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी ट्वीट कर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा वो भी आपको हम बताते हैं। मायावती ने षड्यंत्र का आरोप लगाया है इस मामले में। उन्होंने कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता की कार की रायबरेली में ट्रक से एक्सीडेंट प्रथम दृष्टया उसे जान से मारने का षड्यंत्र लगता है, जिसमें उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संदीप सुरजेवाला ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जवाब दे। उन्होंने जवाब देने की मांग की इस मामले में। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता बेटी के साथ हादसा है या हत्या का षड्यंत्र, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन करेगा न्याय, ये रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बलात्कार के घृणित अपराध की पीड़ित बेटी के लिए उन्नाव व यूपी न्याय चाहता था, पर न्याय की बजाय क्या हुआ, हत्या का षड्यंत्र, पिता की पुलिस और परिवार खोया और अब पीड़िता लड़ रही है जिंदगी की जंग। यानी उन्होंने तमाम बातें कही कि अभी से लेकर उस समय से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है और जो पीड़ित, आपको बताना चाहूंगा कि मैं महिला है, उसे कोई भी जो है न्याय इस मामले में नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी अखिलेश यादव ने भी कहा कि इसमें न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से इस मामले को सीबीआई को जांच में भेजकर जो है तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसे सीबीआई जांच में भेजना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिले। तो तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, यूपी की योगी सरकार हो या फिर केंद्र की भाजपा सरकार, सभी को, इन दोनों ही जो है सरकारों को फिलहाल इस मामले पर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर आपको हम बताएं कि इस मामले की जांच जो है, अब इस मामले की जांच को लेकर सीबीआई द्वारा जांच में क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई है। तो इस मामले में अब ये देखने वाली बात हो कि उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी को ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने की घटना इस मामले में कई सवाल भी खड़े कर रही है और आगे क्या कुछ निकल कर आता है सीबीआई जांच में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार, योगी सरकार और भाजपा पर हमलावर हो गया है, जिसकी गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी है और पूरे देश से एक मांग उठ रही है कि उन्नाव रेप पीड़िता जो है उसे न्याय मिलना चाहिए और रविवार के दिन जिस तरह से उसके
गाड़ी में एक ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई और उसे एक तरह से जान लेने की कोशिश की गई। ये मामला क्या है, इसमें जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आने चाहिए, क्योंकि पूरा देश फिलहाल मांग कर रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में अगर सीबीआई जांच जिसमें होती है, सिफारिश जिस तरह से की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो जिस तरह से बातें होंगी, क्या कुछ निकल कर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में विपक्ष जो है वो पूरी तरह से इस मुद्दे पर, वो योगी सरकार और भाजपा पर हमलावर हो गया है। अब आगे आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ होता है वो भी मोबाइल न्यूज 24 आपको जरूर बताएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन लगा है उसे भी आप बिल्कुल दबा दें, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और इन जैसी लेटेस्ट खबरों से आप रह सकें अपडेट।